जेलन अस्पताल में हुए घोटाले को लेकर एडवोकेट राजेश टंडन ने दिया धरना। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का नंबर वन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय बीटीयू बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, बीटेक एमटेक पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर एससी एसटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल हसबेंड स्कूल कैंपस अजमेर। अजमेर के वरिष्ठ वकील राजेश टंडन ने आज जेलन अस्पताल के मुख्य द्वार पर सांकेतिक धरना दिया। टंडन के द्वारा पूर्व में जेलन अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना और अंबु बैग खरीद में घोटाले का आरोप लगाया था। इसके विरोध में आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अस्पताल के बाहर बैठकर धरना दे रहे हैं। टंडन ने कहा कि मैंने ये घोटाला उजागर किया है कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में जेलन अस्पताल प्रशासन से मिलीभगत कर करीब 4 करोड़ रुपए का घोटाला करके बीमा कंपनी को अदायगी से बचाया जा रहा है और राजकोष का नुकसान किया जा रहा है। यह सिर्फ आरोप नहीं बल्कि सरकारी स्तर पर भी हुई अंकेशन रिपोर्ट में भी यह सत्य पाया गया है। इसी प्रकार अंबु बैग खरीदने में भी 900 रुपए का बैग 9,000 में खरीद कर करीब 13 लाख रुपए का घोटाला किया है। अब अस्पताल प्रशासन कहता है कि हमने रीयूजेबल बैग खरीदे हैं तो कौन विश्वास करेगा कि कोरोना काल में जब एक दूसरे व्यक्ति से 2 गज दूर रहना है तब प्राण रक्षा के लिए एक बार मरीज पर लग चुका बैग दोबारा किसी मरीज को कैसे लगाया जा सकेगा। अस्पताल प्रशासन कोरोना प्रोटोकॉल से परिचित होने के बावजूद ऐसी भूल कैसे कर सकता है, ये केवल भ्रष्टाचार को दबाने की चेष्टा है। टंडन ने कहा कि मेरी मांग यह है कि अस्पताल में गबन और घोटालों की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में मुकदमा दर्ज करके उच्च स्तर पर अनुसंधान करे और राज्य सरकार अंकेशन रिपोर्ट के अनुसार जनता के टैक्स की धनराशि को भ्रष्ट अधिकारियों से वसूल करे। आज जब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन का नारा दे रहे हैं तो अस्पताल के इस खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार पर क्यों पर्दा डाला जा रहा है, इसी को लेकर सांकेतिक धरना है। इसके बाद भी सरकार ने कार्यवाही नहीं की तो आगे और कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। देखिए, मैंने 1 महीने से एक अभियान चला रखा है। भामाशाह बीमा योजना के तहत मैंने ये अभियान के तहत मैंने इनसे कहा था कि सरकार से कि ये यहाँ पर भामाशाह बीमा योजना में एक पैकेज बने और पैकेज बन करके और उनके द्वारा जो रकम जो भामाशाह बीमा योजना में 3 लाख का जो घर की गृहिणी प्रमुख गृहिणी थी उसका बीमा हो जाता था और सारे बीमा परिवार का उपचार होता था भामाशाह बीमा जिसको पहले BPL में करते थे उसमें इन्होंने क्या किया 78,000 का जैसे पैकेज बना 98,000 का उसका इलाज कर दिया तो एक तो पैसे गए उधर ये इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं दिए और इन्होंने मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी से वो पैसे लिए। ऐसे 500 केस हैं उसमें कोई करोड़ों रुपए का गबन है और वो मैंने सब नामजद करके दिए। फिर उसके बाद इनका एक इंटरनल ऑडिट आया, उस इंटरनल ऑडिट ने भी माना कि इसमें 4 करोड़ 8 लाख समथिंग का गबन है। उसके बाद वो केस भी मैंने ACB में भेजे, खुद भेजे हैं। कल भी मेरी ACB के DG साहब BL सोनी साहब से बात हुई कि साहब इनको आप दर्ज क्यों नहीं करते हो, इन पे कार्रवाई क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा मैं इसमें जांच अभी दिखवा रहा हूँ। अंबु बैग में 900 रुपये का अंबु बैग जो है इन्होंने उसको 9,000 रुपये में ख़रीदा और 13 लाख का घोटाला किया। इस तरह से अस्पताल की जो आप दुर्दशा है वो आप देख रहे हो किस तरह से ये लोग करें, इसमें राजनीति इन्वॉल्व है। राजनीतिक रूप से जब तक इसमें इनको पावर नहीं मिले मुकदमे दर्ज करने की ये नहीं करते। आज मुकदमे दर्ज करें तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मेरा खुद का भेजा हुआ केस और ये ऊपर से कहते हैं इस हमारे नंबर पर आप हेल्पलाइन पर मामला, मेरी DG साहब से बात हुई है, मैंने कहा उनका आपके मिल गए, परिवार भी आपका मिल गया, आपका ऑनलाइन भी मिल गया, पर अभी हम दिखवा रहे हैं। इसमें राजनीति इन्वॉल्व हो जाती है क्योंकि ये सब मिली भक्ति के सौदे हैं और राजनीति इन्वॉल्व होते ही आपने भी देखा कि अपन ने पूर्व में आप सबके समक्ष मैंने अमृत योजना का 8 करोड़ रुपए का घोटाला दिया था, उस पर दर्ज हुआ मामला, आलोक त्रिपाठी जी DG थे, उन्होंने परिवाद करके दर्ज किया। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल जी कह रहे हैं कि नहीं, पावर नहीं है DC को उसको दर्ज करने की, और उन्होंने बयान दिया कि स्वायत्त शासन का मतलब है कि स्वायत्त शासन के खिलाफ कोई मामला बिना उनसे पूछे दर्ज नहीं किया जाए। स्वायत्त शासन एक अलग से विभाग है
जैसे वो कोई यूएनओ से चलता हो वैसा विभाग है। फिर उसमें कानून बताया कि डीओपी ने 20 फरवरी को दे दिया था पावर संभागीय आयुक्तों को, पर जहां राजनीति घुस जाती है, धारीवाल जी का बयान आपके सामने है, धारीवाल जी का बयान के स्वायत्त शासन विभाग के अमृत योजना में 8 करोड़ रुपए का घोटाला, संभागीय आयुक्त की कमेटी जिसमें एडिशनल चीफ इंजीनियर शर्मा जी इन्वॉल्व थे, वेरवा साहब इन्वॉल्व थे, उन्होंने कहा कि 8 करोड़ का घोटाला हो गया है, सोलर ऊर्जा में घोटाला हो गया है, पर इन्होंने उसको कुछ नहीं माना। सड़क के ऊपर सिर्फ रीडामरिंग कर रहे हैं, उसमें करोड़ों रुपए खा रहे हैं, इस तरह से ये घोटाले कर रहे हैं। और इन घोटालों की आप अस्पतालों की हालत देखिए, अस्पताल में कोई डॉक्टर ओपीडी में देख लीजिए, कहीं देख लीजिए बैठता नहीं है, सब घरों पर देखते हैं, 300 रुपये फीस लेते हैं, 300 रुपये फीस लेने के बाद रसीद नहीं देते। आज जो दवाई, हर डॉक्टर ने घर में दवाई की दुकान खोली हुई है, हर डॉक्टर की घर में दवाई की दुकान है, वो एक दवाई ऐसी उस कंपनी से बनवा लेते हैं कि वो दवाई ही उनकी दुकान पे मिलती है, अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। और इस दवाई योजना के लिए, जो निःशुल्क दवाई योजना है, इसको जेनरिक दवाइयों के लिए कहते हैं, भाई लिख तो देंगे पर इससे तुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, दवाई तुझे बाज़ार से ही लेनी पड़ेगी। आप डॉक्टरों के घर पे देखिए जाके, आज 1400 आदमी बाहर उनके खड़ा होता है, तो आज ये प्राइवेट सेक्टर में जो, फिर ये क्यों अस्पताल खोल रखे, 30-30 साल से अजमेर में डॉक्टर बैठे हैं, कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है, कोई इनके लिए रोक नहीं है, जब इनकी ट्रांसफ़र की आती है पैसे दे आते हैं और जाकर के अपने रुकवा जाते हैं। इसमें राजनीतिक रूप से जब तक इसको ठीक नहीं किया जाएगा, जब तक राजनीति इसमें घुसी रहेगी, आप कोरोना काल में इनका उद्देश्य रहा कि इसकी बजट की पूर्ति कर दें। मेरा धरने का उद्देश्य ये है कि अगर ये ACB में मुकदमे दर्ज नहीं हुए, तो आज तो मैं एक सांकेतिक धरना दे रहा हूँ, अगले टाइम में हम निष्ठावान कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, निष्ठावान कांग्रेसी हैं, मैं इस पर और तीव्र आंदोलन करके और इससे तीव्र आंदोलन करूँगा। मैं फिर इन्हें समय दे रहा हूँ कि मैंने पहले भी 7 दिन का समय दिया, अगर अब यह नहीं करेंगे तो मैं फिर दोबारा से बहुत तीव्र आंदोलन करूँगा, वो आपको बताऊँगा। और इस राजनीतिक रूप से जो राजनीति इसमें, अस्पताल की राजनीति आप समझ रहे हैं कहाँ से चलती है और कैसे होती है, और दूसरे विभागों की राजनीति, जब तक मंत्रियों के दखल, भ्रष्टाचार को ये पनपा रहे हैं और भ्रष्टाचार को ये बचा रहे हैं, और ये भ्रष्टाचार जब तक बचाते रहेंगे, पनपाते रहेंगे, मैं समझता हूँ राजस्थान की जनता का शोषण होता रहेगा। कल एक लापरवाही से भी एक देश हो गई, कल लापरवाही हुई वो आपके सबके सामने है कि आज इनके पास ऑक्सीजन तक नहीं है, ऑक्सीजन की लाइन डालनी चाहिए, ऑक्सीजन का वो भटनागर परिवार, रात को उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा भाई मैं सुबह बैठ रहा हूँ, इसी संदर्भ में बैठ रहा हूँ। आज ये स्थितियाँ बन गई हैं देश की कि ये अस्पतालों का करोड़ों करोड़ों रुपए का बजट है, और मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हम अग्रणी बने। मुख्यमंत्री जी का नारा है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, मैं समझता हूँ जितना करप्शन को इस वक्त पनपाया जा रहा है, ये बाड़ेबंदी के बाद ये MLA और मंत्री जो हैं निरंकुश हो गए हैं, ये जो चाहते हैं वो करते हैं। बाड़ेबंदी के बाद इनको ये लगता है कि भाई गवर्नमेंट तो हर MLA अपने क्षेत्र का मुख्यमंत्री बन गया है, किसी की नहीं सुनता।